नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मंगलवार को पाकिस्तान जाएंगी। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मंगलवार को पाकिस्तान जाएंगी और इस्लामाबाद में 8 और 9 नवंबर को होने वाली हार्ट ऑफ एशिया समिट में हिस्सा लेंगी। विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा से मीडिया को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। इसे पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद फॉलोअप के रूप में देखा जा रहा है। सुषमा अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज से भी मुलाकात कर सकती है। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैंकॉक में बैठक। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच पेरिस में हुई मुलाकात को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैंकॉक में बातचीत हुई। दोनों देश आतंकवाद और जम्मू कश्मीर सहित व्यापक मुद्दों पर रचनात्मक संपर्क को आगे बढ़ाने पर राजी हुए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डाभोल और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर जंजुआ ने शांति और सुरक्षा तथा LOC पर शांति सहित अन्य मसलों पर भी चर्चा की। वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी किया। बराक ओबामा ने IS को ठग और हत्यारा कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आतंकी संगठन ISIS को ठग और हत्यारा बताया। ओबामा ने कहा कि वह IS और इसके जैसे दूसरे आतंकी संगठनों को खत्म करके ही दम लेंगे। उन्होंने विश्व भर के इस्लामी नेताओं से आतंकी संगठन ISIS और इसकी विचारधारा के खिलाफ बोलने की अपील करते हुए कहा कि IS इस्लाम की बात नहीं करता। ओबामा ने अपने भाषण में अमेरिकियों से अपील की कि वे एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर इस युद्ध को अमेरिका और इस्लाम के बीच के युद्ध के रूप में परिभाषित न करें।